हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ सिरमौर, वहाँ पे ना गत्तादार ट्रैक है। सो सुना है काफ़ी अच्छा विलेज है और अच्छी सी लोकेशन है, तो दिल्ली के नियर बाय ही है। सो आज सुबह ही प्लान बना और मॉर्निंग में अपने घर से 6 o'clock निकल गई थी एंड अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। सो मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अभी कुछ 11 बज रहे हैं एंड काफ़ी सही सी लोकेशन है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गो। Skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. चलिए गाइस, चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये है एक हरियाली ढाबा। देखते हैं यहाँ का फूड कैसा होता है एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइस, ब्रेकफास्ट करके हम सीधा पहाड़ों में आ गए और इतना सुंदर व्यू है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू है। इसको देखने के लिए थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं यहाँ पे और बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, लुक एट दिस क्लाउड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं यार। पहाड़ों की बात ही अलग है। ओहे गाइस, देखो ये बकरियां, ओह माय गॉड, कैसे ये पहाड़ पे चढ़ रही है। गाइस अब हम पहुंच गए हैं रेणुका जी और ये है यहाँ का बस अड्डा। यहाँ पे आपको आने के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी पोंटा साहिब से और अंबाला से, कुछ ऐसी जगहें जहाँ से आपको मिल जाएंगी। एंड इसके आगे से ही आपको गत्ताधार की बस मिलेगी। गाइस दिस इज अ रिवर, जिसमें आधी रिवर है और आधी रिवर तब आएगी जब बारिश होगी। एंड लुक एट दैट व्यू, ऐसे सारे आसपास में पहाड़ एंड बीच में नदी, अलग ही लेवल का व्यू है, एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल। गाइस आए हैं गर्मा गर्म पकौड़े एंड लुक एट दिस व्यू, एंजॉयिंग पकौड़े। गाइस हमने चाय पकौड़े खा लिए हैं और ये हमारे इवनिंग स्नैक्स थे। अभी भी डेस्टिनेशन पे हम पहुंचे नहीं हैं, बस रास्ते का मजा ले रहे हैं और चलते चलते इतने सुंदर सुंदर व्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितना ही सुंदर व्यू है और यहाँ पे प्रॉपर ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन बारिश अभी तक हुई नहीं है और काफ़ी सुंदर सी लोकेशन है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं अभी हम। लुक एट दिस व्यू, माय गॉड। बस थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद वापस गाड़ी में बैठेंगे एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और अभी कुछ टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं एंड यस, 3 बजे का मौसम यहाँ पे बहुत ही प्रीटी है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस यहाँ पे निकेश भैया को कुछ मिला है, क्या मिला निकेश भैया? ये तो यूपी में तो लिल्ली घोड़ी कहते हैं, यहाँ पे पत्नी क्या कहते हैं, क्या है ये, क्या है ये, देखो। ओ भाई साहब, ये क्या है? हमारे तब यूपी में, यूपी प्रयागराज में इसको लिल्ली घोड़ी कहते हैं। लिल्ली घोड़ी, हाँ। और यहाँ पे पहाड़ों पे पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये कान खजूरी की तरह, इसके बहुत कई सैकड़ों पेड़ पैर होते हैं इसके, और ये मरने का नाटक कर रहा था कि इसको छोड़ दें। अच्छा, माय गॉड, चलो जाने दो, बेचारे बच्चे की जान लोगे क्या, छोड़ो नहीं, मैं तो जीने दो उसको भैया, वो अपने नेचर में है, हम उसको मार नहीं रहे, हम उसको बस दिखा रहा हूँ अपने कि कैसे रिएक्ट करते हैं। वाह, प्रकृति भी क्या क्या चीजें बनाती है ना, कान खजूरे का बड़ा भाई है ये।
हम चढ़ेंगे इस लोहे के ब्रिज पे। लुक एट दिस मौसम गाइस, कुछ नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, विंटर वाइब्स आ रही है यहाँ पे। इस लोकेशन के रोड्स ना थोड़े कच्चे हैं और नैरो हैं, तो आप लोग देख के ही आए और अगर आपको गुड ड्राइविंग आती है तो ही आए। बहुत नैरो रोड्स है बट लोकेशन बहुत ऑसम है। इस तरह की ऑफ रोडिंग भी है। ओह माय गॉड, व्यू तो देखो, बिल्कुल विजिबिलिटी लो है और इतना ठंडा टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पे कि कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी लो है और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर जैन का महीना चल रहा है और इतनी ठंडक हो रखी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। गाइस यहाँ पे आने के लिए रोड्स थोड़ी नैरो है और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी आपको करनी पड़ सकती है क्योंकि रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, तो यहाँ पे अगर आप आए तो अच्छे से ही ड्राइव करें। ये तो हॉन्टेड सा लग रहा है, बिल्कुल हॉन्टेड। ओह माय गॉड, स्केरी रूट, बहुत 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 कंडीशन खराब है रोड की। ड्राइव सेफली। ऊपर से विजिबिलिटी भी लो है एंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रह गए। देखो फोन भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज रोड की कंडीशन बहुत ही खराब हो रखी है। फाइनली रीच और अब हम कार पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली जगह क्या ढूंढ रहे हैं इन्होंने ही हमें बताई है। सो देख सकते हैं आप कि कितने नैरो रोड्स हैं। सो वेलकम टू गत्ताधार वैली। बाकी व्यूज मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। यहाँ पे हाथ भी रखना पड़ रहा है और चढ़ना भी पड़ रहा है। अब इसको उठा के चलना ना, पहले तो ज़्यादा मुश्किल है। हाँ सही में, बिना ऊपर दिखाई रोड नहीं है, ये पहाड़ है। देखो पहली बार मैंने एप्पल के बाग देखे। ये है पहाड़ी सिद्धू विद घी।